हेलो स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स सिटी कॉलेज। आज मैं आपको जो लेक्चर देने जा रही हूँ वो कक्षा 11 की हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले मनोविज्ञान के छात्रों के लिए है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको भ्रम यानी कि इल्यूजन के बारे में बता चुकी हूँ। प्रत्यक्षीकरण में भ्रम का क्या स्थान है? जब हम किसी वस्तु का गलत तरीके से प्रत्यक्षीकरण करते हैं, इसे भ्रम कहते हैं। अब विभ्रम, हैलुसिनेशंस किसे कहते हैं? संवेदनाओं के अर्थ की गलत व्याख्या या गलत प्रत्यक्षीकरण भ्रम कहलाता है। जैसे किसी रस्सी को देखकर सांप होने की अनुभूति करना, या सीपी में चांदी का भ्रम, या रात के अंधेरे में किसी की आहट सुनकर चोर का भ्रम होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का दूसरा अर्थ निकाल लेना भ्रम कहलाता है। लेकिन उद्दीपक की अनुपस्थिति में, अर्थात जहाँ पे कोई भी उद्दीपक नहीं है, वहाँ पर उसका प्रत्यक्षीकरण करना ही हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन, जिसे हिंदी में हम विभ्रम कहते हैं, यानी कि हमने जब रस्सी को सांप समझा तो वहाँ पर कोई वस्तु थी, उसका हमने गलत प्रत्यक्षीकरण किया, उसे हम भ्रम कहेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे रस्सी भी नहीं है तब भी हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो इसे हेलुसिनेशन या विभ्रम कहते हैं। अतः उत्तेजना के अभाव में, यानी विदाउट एनी स्टिमुलस, हमको उसका आभास हो रहा है, उसे हम विभ्रम कहते हैं। जैसे हमको भूत प्रेत की आवाज़ें सुनाई देना जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, या कोई बोल देता है देखो चंदा मामा वहाँ पर दिख रहे हैं। चंदा तो है पर वहाँ पे मामा कहाँ है, मामा हमें दिखने लगते हैं। इसकी व्याख्या करना विभ्रम कहलाता है। अक्सर विभ्रम असंतुलित मानसिक दशा का परिणाम होता है। भ्रम तथा विभ्रम में निम्न प्रकार से अंतर होते हैं। जैसे कि भ्रम में उत्तेजना तो होती है जबकि विभ्रम में उत्तेजना अनुपस्थित होती है। भ्रम में उत्तेजना होती है और जबकि विभ्रम में कोई भी उत्तेजना नहीं होती है। भ्रम समान दशा में होते हैं, यानी कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, जबकि विभ्रम हेलुसिनेशन एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। हर किसी भी नॉर्मल इंसान को हेलुसिनेशन होने लगे ऐसा जरूरी नहीं है। भ्रम में बाह्य परिस्थितियां कार्य करती है जबकि विभ्रम का कारण मानसिक और हमारे खुद की आंतरिक अवस्था होती है। हमारे कोई ऐसे अनुभव होते हैं जो पूर्व में हो चुके होते हैं, या हमारी कोई इस तरह की मानसिक दशा होती है जिसके कारण हमें विभ्रम होता है। भ्रम का आधार वास्तविक होता है जबकि विभ्रम का कोई वास्तविक आधार नहीं होता है। वो हमारी कल्पनाओं का, कल्पना और कपोल कल्पना से संबंधित उसका